हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? बच्चों तो असी मेंटल एबिलिटी और पंजाबी का पार्ट पूरा करने तो बाद असी मैथ का जोड़ा कंसैप्ट हूँ लैके आए हैं। मैथ दियाँ वीडियोस जड़ियाँ बेटा काफ़ी थोड़िया जी लंबी हो जाएगियाँ, तो हर कंसैप्ट मैं एक वीडियो या दो वीडियो विच पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैथ का जोड़ा कंसैप्ट है ये सानू ज़्यादा ध्यान देना पैना, ठीक है, इसलिए हो सकता वीडियो लंबिया हो जाए, पर वीडियो नाल ध्यान नाल देखियो। जे मैं जल्दी करूँगा तो तुम समझ ना नहीं लगेगी, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी जी लंबी हो जाएगी, पर तुम समझ लिए ध्यान नाल देखना पैना। पहला जिहड़ा कंसैप्ट असी मैथ गणित दे विच अज गणित दे विच पहला कंसैप्ट जिहड़ा असी लैके आए हैं वह संख्यावां संख्यावां जिन्हों इंग्लिश नंबरस कहते हैं, ठीक है। ये साड़ी वीडियो 13 है। नंबरस नंबरस के विच बेटा बहुत चीज़ां आंदियां हैं, ठीक है, इनक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते बढ़ते क्रम च स्थानक मूल। सो एक ही वीडियो च सारा कुछ कवर करना बहुत ही औखा है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सीमम जिहड़ा है मैक्सीमम पार्ट कवर किया जाए। इस पार्ट नू संख्यावां नू दो वीडियोज़ दित्तियां जाण, ठीक है, दो वीडियोस से पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा, तो दोनों नू बड़े ध्यान नाल देखियो। तो आज शुरू करते हैं कि इहदे विच असी क्या क्या पढ़ांगे। सो बेटा पहले च असी लै रहे हैं स्थानक मूल, ठीक है, स्थानक मूल जिहड़ा है वो साडा आपां पहला पार्ट लै रहे हैं कि स्थानक मूल क्या होंदा। मैक्सीमम बच्चों इस दे बारे नॉलेज ही होनी, पर पूरा पार्ट कवर करे तुहानू स्थानक मूल दस दईए। मान लो कोई संख्या 3 4 8 5 5 है, इतने आप 9 ले लीए। हुण इहदे विच मान लो स्थानक मूल 8 का पुछा होए, 8 का की स्थानक मूल है, तो तुसीं 8 लिखना 1 2 3, पिछे 3 सिफर ला देनी आ। 4 का स्थानक मूल की है, 4 लिखना, पिछले अंक गिन लैने, 4 तो पिछे किन्ने अंक है 2, 2 जीरोस ला दो। इसी तरह जे 3 का स्थानक मूल पुछा, 3 लो, पिछे किन्ने अंक है 1 2 3 4, इन्हां नूं गिन, पिछे 4 जीरोआं 4 अंक ला दो। इसी तरह मान लो 732, 7 का स्थानक मूल 7 दे नाल 2 जीरोआं, 3 का स्थानक मूल 3 दे नाल 1 जीरो, ये स्थानक मूल हुंदा। असी उदा जिदा मान लो ये संख्या 21 है, 10 है, सैकड़ा, 1000 है, तो 8 का स्थानक मूल 8000 हो, 4 का स्थानक मूल 21, 10, सैकड़ा, सैकड़े, तो 400 होएगा, ठीक है। इस तरह स्थानक मूल हुंदा, एक स्थानक मूल भी हुंदा, दूजा इहदे वास्तविक वास्तविक मूल भी हुंदा है। हुण किसी भी संख्या का मान लो 3 का मूल 8 का 4 का 9 का किसी का भी वास्तविक मूल पूछा, 3 का वास्तविक मूल 3, 8 का वास्तविक मूल 8, 7 का वास्तविक मूल 7, 6 का 6, 5 का 5 के विच कोई चीज चेंज नहीं आता, जिहदा वास्तविक मूल पूछा वो उदाई मूल हुंदा। सो ये स्थानक मूल ते वास्तविक मूल के नाल इस तरह का कंसैप्ट ये तुहानू संपर्क समूह पढ़ना, तुहानू ये भी आंदा होना। मान लो ये संख्या पढ़नी है, ठीक है बेटा, संख्यावां नू पढ़ना तुहानू आंदा होंदा, आना बहुत जरूरी है। सो मैं तुहानू दस दवां, ये वीडियो सिर्फ नवोदय के बच्चों की तैयारी लई ही नहीं, बाकी बच्चों की तैयारी लई भी जरूरी है, जिहड़े 4th क्लास 5th क्लास 3rd क्लास च हैगे, 6th क्लास च होगे, जिन्हां नू कंसैप्ट क्लीयर नहीं है संख्यावां बारे, वो कंसैप्ट नू ध्यान नाल अपने क्लीयर करन। देखो मान लो हुण ये संख्या पढ़नी है, बड़ा ईजी वे है, पिछों असी 3 इकट्ठे कर लेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये प्रोसैस च चलता रहिंदा। इहनूं आपां सैकड़ा कहिंदे आ, ठीक है, इहनूं आपां हज़ार कहिंदे आ, इहनूं आपां हज़ार तों बाद लख कहिंदे आ, ते इहनूं आपां करोड़ कहिंदे आ, ठीक है। तुसीं बड़े आसानी नाल पढ़ लोगे 78 करोड़ 80 लख 8732। हुण मान लो ये कोई संख्या है, इनू तुसीं पढ़ना, पिछले 3 अंक इकट्ठे कर लो, फिर 2, फिर 1, सानू पता कि पहले सैकड़ा है, फिर हज़ार है, फिर 1 लख है। सो 7 लख, हज़ार नहीं है कोई, सिर्फ 6 है, 7 लख 6, ठीक है। इस तरह तुसीं संख्यावां नू तुहानू पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। कोई होर संख्या ले लो, जिदा मान लो असी इहनूं पढ़ना है, सो सानू पता 3 स्टैप इकट्ठे करने, फिर 2 2 दे इकट्ठे करने, सो सानू पता है सैकड़ा है, फिर हज़ार है, फिर लख है, फिर करोड़ है। सो ये 7 करोड़ 6, 7 करोड़ 6, इस हिसाब नाल बड़े तेजी नाल तुसीं संख्यावां जिहड़ियां
पढ़ सकते हो उदा ही संख्यावां तुहानू लिखनिया भी आनिया चाहीदियां। मान लो एक लख लिखना है, ठीक है। हुण एक लख एक पा दो, ये लख की जगह होगी, हजार की जगह खाली है, सौ की जगह खाली, ढाई की एक हो गया। सो इस तरह असं लिख सकते एक लख एक, ठीक है। सैकड़ा हजार कोई नहीं, सीधे लख एक लख एक। इस तरह जरा वध तो वध संख्यावां पढ़निया जरा सीखो, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। असी जा सारा एक ही वीडियो नहीं कवर कर सके, सो आप जरा नवोद्या ध्यान रखते हुए मैक्सीम चीज़ा तो कवर करनी है, ठीक है। तो सब चीज़ा लगभग आता होना, किसी नहीं आता तो रिवाइज कर सकता। हूँ वही संख्या, बड़ी संख्या ते छोटी संख्या का भी दस दिए। मान लो एक अंक की बड़ी संख्या एक नौ, ठीक है। एक अंक की जिहड़ी छोटी संख्या वो एक है, ठीक है। ते दो अंकों की बड़ी संख्या दो नौ पा देने, तीन अंकों की बड़ी संख्या तीन नौ पा देने, चार अंकों की बड़ी संख्या चार बार नौ, पांच अंकों की बड़ी संख्या पांच बार नौ, ठीक है। दो अंकों की छोटी संख्या तीन अंकों की छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी संख्या पांच अंकों की छोटी संख्या। इस तरह तुम बड़ी ते छोटी संख्यावां लिख सकते, ये रिलेटेड सवाल भी आ सकता। सिर्फ ध्यान रखियो कि एक अंक की छोटी संख्या विच एक, दो अंक की छोटी संख्या विच एक जीरो ते एक, तीन अंक की छोटी संख्या विच दो जीरो ते एक एक, इस तरह आता है, ठीक है। सो इस तरह बड़िया संख्यावां, सो बड़ी छोटी संख्यावां भी असी कवर कर लिया। सो बेटा इस दे नाल असी ये चीज़ां भी होर इहदे कंसैप्ट क्लीयर कर लईए। पहले भाजक भागफल ते बाकी ये की हुंदा। मान लो एक संख्या है तुसीं लिखदे 31 डिवाइडेड बाय 5, 31 नूं 5 नाल भाग करना तां तुहानूं पता 5 6 30 ते 1, ये जिहड़ा हुंदा बाकी हुंदा है, ये हुंदा भाजक ते हुंदा भागफल। इहनूं कहिंदे भाग फल, इन्हों कहते भाग फल, ठीक है। भाग फल हूँ संख्या कत्ती कि बनती, इन याद रखना कत्ती कि बननी, पांच ते छे नू गुना कर दो ते जमा एक बाकी कर दो, ठीक है। सो ये याद रखियो तुम कि संख्या बनती भाजक गुना जक गुना भाग फल जमा बाकी, ठीक है। इस हिसाब के नाल भी सवाल पूछे जाते कि यह भाजक भाग फल ते बाकी दिता है तो संख्या बनाओ, जो तुम्हें पता तो तुम बना सकते हैं। इसके नाल देखो एक कंसैप्ट है गुणज, ये गुणज की होंगे है, छे दे गुणज सत गुणज, वेरी ईजी बेटा याद रखना। छे दे गुणज छे का भाड़ा ही होंगे, जिदा मान लो 6 12 18 24 30, ये सारे 6 दे गुणज है। क्या 35 6 का गुणज है? नहीं, 35 6 का गुणज नहीं, क्योंकि 6 के भाड़े च 35 नहीं आता। 7 का गुणज 7 14 21 28 35 49, ये सारे 7 के गुणज है, ठीक है। इस तरह गुणजा बारे भी तुहानू नॉलेज होनी चाहिए। अगे दसीए वंडी ते अवंडी संख्यावां, जिस्त ते टांग संख्यावां। तुहानू सारयां नू पता होना जिस्त संख्यावां ते टांग, ठीक है। जड़ियाँ 1 3 5 7 9 जड़ियाँ है 11, ये सारिया जड़ियाँ आप टांग संख्यावां विच गिनते हैं। तो जिहड़ा 2 4 6 8 10 12 14 जिहड़े जोटियां दे फॉर्म च आंदी है वो जिस्त संख्यावां हुंदियां। इहदे ते भी तुहानूं पूरी नॉलेज होनी चाहीदी, ये जिस्त संख्यावां ये टांग संख्यावां, ठीक है। उस तो बाद अवंडी संख्यावां आपां कर लईए। अवंडी संख्यावां, सो बेटा जिहड़ियां संख्यावां नहीं वंडियां जा सकदियां उन्हूं अवंडी संख्यावां कहिंदे। जिद्दां मान लो मैं सारियां संख्यावां लिख लिया 24, हुण मान लो इस च मैं अवंडी संख्यावां लैनियां तां एक किसी च नहीं आंदा, ठीक है। दो पहली अवंडी संख्या है, दो पहली अवंडी संख्या है, तीन तीन भी आ जाता, चार हूँ देखना चार किते वंडिया जाता कि नहीं, चार जिहड़ा मतलब चार दो दे पाड़े च आंदा, दो दुनी चार, चार नूं असीं वंड सकते हैं, चार नूं असीं दो गुना दो लिख सकते। सो चार वंडी आंदा, अवंडी नहीं, ठीक है। सो पांच, पांच किसी दे पाड़े च नहीं आंदा, ठीक है। छे आ जाता, तीन दुनी छे, छे नूं असीं लिख सकते तीन दुनी छे, इहनूं भी आपां वंड सकते। सत,
सत्त नहीं आता, अठ नौ आप चार गुनी अठ लिख सकते, नौ नौ असी तीन गुना तीन लिख सकते, दस नौ असी पांच गुना दो लिख सकते, ग्यारह नौ नहीं लिख सकते, ठीक है, तेरह नौ नहीं लिख सकते, चौदह नौ असी सत्त दुनी चौदह, पंजी पंद्रह, अठ दुनी सोलह, सतारह नौ नहीं लिख सकते, ठीक है, उन्नी नौ नहीं लिख सकते, इक्की नौ भी लिख सकते, सत्तू ती इक्की, भी नौ भी लिख सकते, दस दुना भी, बई नौ ग्यारह दुना बई, तेई नौ असी नहीं लिख सकते। इस तरह तुम्हें सौ तक दियाँ अवंडी संख्याव सारिया लिख लैनिया, ध्यान रखना है सौ तक दियाँ, सौ अवंडी संख्या नहीं है, सौ तक दियाँ जिहड़ियां वो संख्याव लिख लैनिया, ठीक है, तो तुहानू इहदे बारे भी पूछा जा सकता, इन्हों का जोड़ पूछा जा सकता, ये कंसैप्ट भी तुहानू जो काफ़ी जरूरी है। एक होर तद तक दे बेटा तुम्हें जिन्ना कंसैप्ट समझाया गया इन्ने तैयारी करो, तो आप अगली वीडियो तक तैयार करके तुहानू कल तक भेजते हैं। ओके, गुड लक।